लोकसभा चुनाव का माहौल है और ऐसे में नेता एक से बढ़कर एक बयान दे रहे हैं, जनता के बीच जाकर कई दावे कर रहे हैं, तो वहीं कुछ नेता अपने दावों से बाकी नेताओं की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में खबर है तेलंगाना से, जहां पर हैदराबाद की सीट को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। ये सीट है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की, जिसको लेकर राजनीति अपनी चरम सीमा पर है। अब इस कड़ी में बीजेपी की तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने AIMIM पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली पार्टी ने पहले BRS का समर्थन किया था और अब वो सत्तारूढ़ कांग्रेस का साथ दे रही है। जब से BRS सत्ता में आई तब से AIMIM उनके साथ है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूँ, उन्हें जिताने की कोशिश क्यों कर रही है? कांग्रेस, AIMIM और BRS तीनों एक ही हैं, तीनों का DNA एक है। सुनिए, तेलंगाना में जब TRS पार्टी KCR सत्ता में आए, जब से लेके अभी रिसेंट असेंबली चुनाव तक मजलिस पार्टी BRS के साथ थे। KCR बहुत बढ़िया नेता है, देश की नेता है, ऐसा विजनरी लीडर देश में कोई भी नहीं है, सिर्फ KCR ही है। उनके नेतृत्व में हम देश भर में काम करेंगे, ऐसा दोनों मिलके बात करते थे। आज लोकसभा चुनाव में MIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट तय किया है। आज कांग्रेस पार्टी ने तय किया है, कांग्रेस पार्टी हाईकमांड आदेश किया है, असदुद्दीन ओवैसी को कांग्रेस पार्टी समर्थन करके उनको जिताना चाहिए, उन जीतना चाहिए। ऐसा कांग्रेस पार्टी का नेता ही कल ओपनली प्रेस में बोले हैं, हमारा ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी ने हाईकमांड ने आदेश दिया है असदुद्दीन ओवैसी को जिताने के लिए। मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, 10 साल आपके खिलाफ काम किया है, ऐसे मजलिस पार्टी का नेताओं को कोई जिताने के लिए प्रयास कर रहे? आज हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में जो एंटी मजलिस वोट है उसको डिवाइड करने के लिए और आसानी से असदुद्दीन ओवैसी जीतने के लिए मजलिस पार्टी को MP बनाने के लिए आज कांग्रेस पार्टी हाईकमांड ने मजलिस के साथ मिलकर काम करने के लिए तय किया है। उनका कांग्रेस पार्टी कैडर को आदेश दिया है असदुद्दीन ओवैसी को जिताने के लिए, जो भी चाहिए वो काम किया है, काम करना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं हैदराबाद जनता से, तेलंगाना से जनता से, ये तीनों कांग्रेस पार्टी हो, MIM पार्टी हो और BRS पार्टी हो, तीनों एक ही है, एक ही ग्रुप है,